बताते चलें, ये पूरा मामला सीतापुर सदर कोतवाली के अंतर्गत आने वाली कोहना पुलिस चौकी क्षेत्र के मूसीगंज मोहल्ले का है, जहां एक बुजुर्ग श्याम किशोर का आरोप है कि उसके मकान को जालसाजी करके पड़ोसी युवक ने अपने नाम लिखा लिया है, जिसकी जानकारी श्याम किशोर व उसके परिवार वालों तक को नहीं है। मामला तब सामने आया जब अचानक ही दबंग युवक के लड़कों द्वारा लगभग 2 वर्ष बाद श्याम किशोर के मकान में अपने मकान से दीवार तोड़कर जबरन कब्जा करने लगे। श्याम वीर व उसके परिवारीजनों द्वारा विरोध करने पर दबंगों ने गंदी गंदी गालियां देना शुरू कर दिया और सभी को मारा पीटा, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। बताते चलें, पूरी घटना की जानकारी पुलिस को दी गई तो पुलिस ने उल्टे पीड़ितों पर दबाव बनाने लगे। पीड़ितों का ये भी कहना है कि इस पैतृक जमीन का कोई बंटवारा नहीं हुआ तो फिर किस आधार पर दबंगों ने इस भाग को खरीद लिया। उनका ये भी कहना है कि आए दिन पीड़ितों को मारा पीटा जाता है और पुलिस के पास जाने से डरते हैं, क्योंकि विपक्षी काफी पैसे वाले हैं, इसलिए पुलिस उनकी सुनती है, हमारी नहीं सुनती। अब देखना ये होगा कि जिला प्रशासन पीड़ित को न्याय दिलाता है या यूं ही किसी गरीब को बेघर होता देखा जाएगा। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।